राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाई ये वीडियो पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या ना, पर थोड़ी सी होगी कुछ तो एक दो बात बतानी और कुछ मतलब ये वीडियो एक फार्मर के ऊपर है कि कैसे ज़िंदगी चलती रही है, किसान की उतार चढ़ाव चलते रहे हैं। और यार कुछ यूँ भी है कि बिल्कुल भी मन सा ना लग रहा काम में भी। अपनी इतना अच्छी शुरुआत हुई यूट्यूब की, बहुत ही बढ़िया गए थे, पता ना किसकी नज़र लग गई बार बार। यार कुछ ना कुछ दिक्कत, इतनी दिक्कत आ रही है लाइफ में, 3-4 महीना थे तो बहुत ही ज़्यादा गए थे। यह कि कुछ चीज़ ना भी दिखाई जाए, बाकी कोशिश करके थोड़ा सा मन सो हल्का है जाए। आप सभी बता दें कि भाई यूँ चल रहा है, ऐसे है रो, ये दिक्कत आ रही है। और अब के तीसरी बार ट्रैक्टर के पास गए, ट्रैक्टर फिर भी काम करवा के ना लाए, अधूरा काम रह गया क्योंकि मोटर ख़राब है कि मैंने उस दिन बताई वीडियो में। अब 2-3 दिन लगे भाई, पूरी मेहनत करिए कैसे कैसे, बस आप सभी की दुआ लगा लो जो निकल गई, नहीं और 50-60 हज़ार रुपया को नुकसान है जाता। नुकसान की भी देखी जाए, नुकसान की भाई इतनी दिक्कत ना हो, पैसा की कोई दिक्कत आ जाए कोई दिक्कत ना। बाकी ये जो वैसी टेंशनबाजी हमें जैसे अभी 2-3 दिन ख़राब है कि ना तो अपने ट्रैक्टर के काम करवा पाए क्योंकि और भी काम ख़राब है रहे हैं। इंडो फार्म के टायर ना है तो इंडो फार्म सुपर सीडर में चला गो, वो भी काम ख़राब है रहो, उसके सर्विस ही करवानी है। और भी बहुत सारे काम हैं और भाई कुछ ज़्यादा निशु जाखड़ की वजह से हो रहे हैं कि 15-20 दिन पहले मैंने आपने वीडियो में बताई कि ठीक हो, अब 2 दिन से फिर बीमार है रहो, फिर खांसी आ रही है। अब बताओ कैसे कहाँ का मैनेज करें, बिल्कुल भी मन ना लग रहा काम करने में यूट्यूब पर बिल्कुल भी। कह आते बस कैसे समझ लो मजबूरी सी के हिसाब से चल रहे हैं, बाकी हिम्मत ना हारेंगे भाई, कोशिश करेंगे। अब देखते हैं अगर एक आराम हो तो ठीक है, ना तो फिर भाई जैसे ट्रैक्टर में जो कुछ काम है वो। बाकी टर्बो की भी प्लान है और भी काफ़ी सारे प्लान है और भी काम करवाने के जो काम है होंगे, तो भाई ट्रैक्टर लेकर आना पड़ेगा कल या परसों में जल्दी, क्योंकि खेत वेतन को काम चालू है, काम भी खराब है जाएगा, बहुत सारे काम है ट्रैक्टर में ना बैर दुखी है जाए ट्रैक्टर, क्योंकि इंडो फार्म भी टायर वेरन के कई की वजह से इंडो फार्म में भी कोई काम ना आ रहा अपना। तो भाई ये वीडियो बस ऐसी डाल दी, आप अच्छी लगे तो ठीक है भाई, ना लगे तो माफ़ करना। और देखते हैं क्या सिचुएशन रही यार 2-4 दिन में। टेढ़ी जा रही है, हाँ दोनों ने टाइट करे या ज़्यादा टाइट मत करे, जो ऐसे जो घर हुआ निकलवा दे हाल भी ना रही भाई। एक यू तार जो बीच में जा रहा है मोटर के में चूहा में डाल रहा है भाई, मोटर में ऐसे लॉक से बना के डाले हो, एक सपोर्ट ये दूसरी है, कितने जोर बढ़ रहा है देखो, पत्थर भी तोड़ दियो, हाल भी ना रही। दो जगह तो सपोर्ट चल रही है, बीच में तो भी मोटर पे और साइड में। ओह मजा आ गया भाई, दिल खुश है, थोड़ी सी तो लग गई है, कितने कुछ आ गए भाई सब, हैं बन गई बात, उठ तो गई है भाई थोड़ी सी, यू लगाया बीच में, कहा बोला है जो बीच में गिरे हो लोग ऐसा करो सो कहाँ दे रो गुल्ली सी या तारे का को भाई, ये मोटर में जाके ऐसे फंस गो बीच में तार डाल के ट्रैक्टर और अपने वहाँ खड़े हैं, ट्रैक्टर भी दूसरे मांग के लाए, दुखी है रहे हैं यार पूरे पर दिमाग खराब हुआ काम की वजह से, क्योंकि भाई 11 किला धान है, ये देखो कैसे बढ़िया धान है रहे हैं भगवान की दया, और ये कति एंड टाइम पे बिजली आके खराब हैगी देखो, ये रे वहाँ तक जहाँ आप गन्ना दिख रहे हो वहाँ तक, ये सही सलामत कर जा, टेंशन फ्री हो जाएगी, नहीं बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब है 2-3 दिन से, और बिल्कुल टाइम पर ख़राब हुए हैं आके, जब मतलब कोई ज़्यादा दिन में 3-3 4-4 पानी और लगेंगे वहीं पक जाएंगे।
बाकी थोड़ी देर में बताते हैं क्या सिचुएशन रहेगी। चल भाई सर्वे से खेचे हुआ तोर बहुत बीच में जो तार डाल रहा है भैया काटो बोला है मोटर में जाके फंस जा नील की मोटर रहे तो चल 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 ओए आराम दे घंटा लग गो रुक जा इतनी हावल तावल मत कर चिकनाट का बन गया हमें सरब थे लो भाई एक नल तो निकल गो आगे की कार्रवाई करेंगे भाई कल तो निकल ना पाई मोटर क्योंकि 10 फुट निकली वाके बाद वीडियो बना भी ना पाए क्योंकि फ़ोन में बैटरी कम रहेगी फिर पूरी रात पाइप ही निकल पाए जो काटो डाले हो जैसे पाइप बाहर निकालने के करी तार में दे तो काटो वाली वहाँ से जब अपनी जगह छोड़ गो और पाइप पे जोर लगा दी जब लास्ट के पाइप पे टूट गई बिल्कुल जाके बाकी अब दिन में सुबह आए अब देखेंगे कोशिश करके काटो वाटो डाल के कि मोटर निकलेगी ना बाकी सर्विस भी रहेगी आधी सी एक साइड की सर्विस जन टूट गई जन कैसे सर्विस भी रहेगी और मोटर भी अब सुबह ट्राई करके देखेंगे अगर ना निकली तो फिर इसमें ऐसा हो कि ये 150 ही 10 फुट निकल गई 140 पर रहेगी मोटर तो दूसरी मोटर डाल देंगे और दूसरा पंखा और सर्विस मतलब 190 या 100 के करीब डाल देंगे तो इतने काम वाम चल जाएगा फिर देखेंगे दोबारा धान कटने के बाद बोर करवाएंगे क्या करवाएंगे क्या ना तो थोड़ी देर और इंतज़ार करो देखेंगे क्या होगा क्या ना। भाई पाइप तो निकल गए बाहर सारे के सारे ऐसे मतलब तार में तो निकालने की कोशिश कर रहे लास्ट वाले तो लोगों को जो कहाँ गया ये वाला ये जो कांटा डाल रखा हो भाई जटी निकल गो फिर मोटर के पाइपन पे ही जुड़ रहेगा जो बाहर वाली सपोर्ट लगा रखी दो लगा रखी कुछ पाइप ये रखे 150 पे पड़ी नीचे पानी में मोटर एक 10 फुट निकल का ही बस 40 और ये पाइप है जो टूट गो ये देखो ये लास्ट पाइप है बिल्कुल बाकी अब देखेंगे क्या होगा। थोड़ा तो पकड़ लगा एकदम कल की तरह जा ही नीचे गए या हम कम बोझ बता दे मोटर तो नो लगा यार ये कितना अर्ज रो आ देखो खेच को तार ले जो डबल यार जने नीचे को आप लगा दियो के इनके से तार पे चलिए अपने आप ही लग जाएगी पीछे तो बना लो जो सगरी से ऊपर ही भैया
यूरन खेच के तो यू तो टाइट हैरो यू हैरो बस बस क्लिंप अब लगा ले क्लिंप। अगर भाई खेच को तार ना रहता हमें तो निकल देना मोटर, क्योंकि सर्विस सर्विस सब नीचे जाके गोल हैगी और मोटी मोटर के पास फिर कांटा जाता ना कहाँ बड़े हो रहा कि यही तार में इन कैसे अंटा लग गो और निकल जा रही है। देखो क्या रहेगी कैसे मोटर और बच जाइए सही सलामत। ओके ना लग रहा कोई सर्विस में शॉर्ट वॉट निकला हुआ तो फिर आज ही चल जाएगी बिजली, टेंशन फ्री हो जाएंगे पूरा आज ही। चल अभी तो है जगह बैस बैस में जगह गई फिर और नीचे ले फिर थोड़ी सी ना तो निकाह रही ले गोविंद फुके फुका तार है वैसे ना तार तो वैसे फुके फुका ना है मोटर सही पावे। देखो तार ये दो टूटे हैं यू फुकरो तार शायद बस बस ही बहुत है एक तार ही ना बोल रहा हूं आपको वार ले ले मोटर आ जाए सबरी बस ये लो भी तो ऑपरेशन मार जाओ। अच्छा जो ये ऑपरेशन मार जाओ चार बन रहे हैं जो ऐसे काटो ये हो वाले दास अरे बाबा की खूब मेहर राखी है मोटर वोटर तो सही पावेगी जब सही चल रही है तो यार पंखा वंखा सब में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं पानी पानी सब ठीक दे रही यहाँ तो ऐसा कौन सही कर भाई है ना ओके यहीं तो ऐसा क्या यहाँ कहीं करके गेट दे दूँ इतनी बिजली तो आ रही है बोल रही है सही है चलो यू फटीक तो बची ये कि तार और देख लीजिए और देख घिस्सा से लग गए लखानने में होकर बन गई है सिस्टम मैं खाली चेक करने गया हूं। अच्छा कोई सर्विस लो भाई फाइनली बिजली चल गई दो दिन की मेहनत में दो दिन लग गए मेहनत करते करते कल की पूरी दोपहर गई आज तो ना नहाए ना खाया कुछ भी ना वो यहीं खेत पर खाना खाया आके डेढ़ एक बजे से और पानी देखो कैसे दे रही है बहुत ही गंदा चल गई भाई मोटर देखो सड़क की सड़क निकल रहा है कैसा पानी आ रहा ये देखो झाग दे रही है जो सड़क की दो थैली डाली जाके अंदर पानी गंदा आ रहा होगा बोले बाबा की कृपा से भाई बहुत ही खर्चा बच गया अभी अगर मोटर नीचे डल जा खरा गिर जाती तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो अनिल की मोटर भी कम से कम 30-35 हज़ार रुपये जाती